आर के ओहरी ने एक पुस्तक भी लिखी है डेमोग्राफी पर, उसमें भी उन्होंने एक डाटा दिया है कि जब दुनिया में 18% मुस्लिम आबादी थी तो 7 या 8 देशों में जिहाद का आंदोलन चल रहा था, और जब उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी उन्होंने कहा कि आज आबादी 22% हो गई है तो 30 देशों में जिहाद चल रहा है। तो यह एक ऐसी ऑटोनोमस प्रक्रिया है कि अगर हम इस पर ध्यान न रखें तो हम अपने अपने आप को भविष्य में बचा नहीं पाएंगे। और इसीलिए जो शिक्षा, जो धर्म, जो समाज हम कहते हैं कि इतने तरह के हजारों सालों के हमलों के बाद भी नष्ट नहीं हुआ, वह अभी भी नष्ट हो सकता है। अगर मुल्तान नष्ट हो चुका, अगर द्वारिका, अगर शारदा पीठ नष्ट हो चुका, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रामेश्वरम और द्वारिका पीठ बचे रहेंगे। और इसीलिए हम पुनः उस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी अपनी रक्षा नहीं होगी। और विवेकानंद ने, विवेकानंद की पूरे व्याख्यान में, पूरे कथन में, पूरी चिंता में यह संदेश व्यक्त है कि हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए, यह सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, और ऐसा न करना किस्तों में आत्मघात है। और हम उन किस्तों को देख सकते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान एक किस्त था, पूर्वी बंगाल एक किस्त था, फिर कश्मीर दूसरा किस्त था, और यह देश के अंदर बहुत से ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं असंख्य जहाँ पर यह प्रक्रिया चल रही है। तो इस प्रक्रिया को भी अगर हमें रोकना है तो उसका मार्ग वही है जो विवेकानंद ने बताया था, जिस पर श्रद्धानंद ने चल करके दिखाया था। श्रद्धानंद ने जो आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम शुद्धि या जो भी, वह यही था कि वह इस संदेश को मुसलमानों तक ले जाना चाहते थे, और उनका काम स्वयं बढ़ा था, आप उसे जो भी नाम दें। जब उन्होंने यह कार्य शुरू किया तो उनके पास लाहौर से, मुल्तान से, अलग अलग दूर जगहों से लोग आते थे, और वो कहते थे कि हम स्वामी जी, हमें आप उपदेश कीजिए, हम आपके साथ आना चाहते हैं, और स्वामी श्रद्धानंद का बहुत आदर था। तो यह मार्ग हमें आज के समय में हमारे ज्ञानियों ने, गुरुओं ने दिखाया है, जिसे हमें करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि इसके अलावा हमारे पास उपाय भी नहीं है, लेकिन निरुपाय होकर के नहीं, इस पर विश्वास करके। और मैं इस बात को बार बार दोहराना चाहता हूँ कि उपनिषदों की शिक्षा सबके लिए है, और इसीलिए अगर हम स्वयं उससे परिचित नहीं हैं तो हम दूसरों तक भी नहीं पहुँचा सकते। इसलिए हम स्वयं परिचित हों, दूसरों तक भी पहुँचाएं। तो धर्म और मजहब का जो एक अंतर है वह यह भी है कि हमें उस पर चलना चाहिए, और अगर हम उस पर नहीं चलते तो हम अपनी और अपने समाज की भी हानि करते।